हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो जो पिछले दो लेक्चर वीडियो थे उसमें मैं आपको डिटेल में मैंने आपको बताया अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने समझा था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होते हैं उनके आगे फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, ये सब हमने डिटेल में समझा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट जॉब एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉब एनालिसिस, ये आज हम डिटेल में समझेंगे। ये इसका क्या मतलब है, इसके क्या यूजेस है, प्रोसेस क्या है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस डेटा। ये जो जॉब एनालिसिस डेटा है इसको कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है, प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे, राइट? तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉब एनालिसिस टॉपिक क्या है, जॉब एनालिसिस। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है जॉब एनालिसिस। तो पहले तो हम जॉब के बारे में समझते हैं कि व्हाट द जॉब इज। तो वैसे तो अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात की जाए तो जॉब मतलब क्या होता है, जॉब मतलब होता है काम, ठीक है। जॉब मतलब कहीं पे आपको मिलेगा नौकरी, दैट इज जॉब, ठीक है। तो हम जानते हैं जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, उसके लिए जॉब बहुत ही जरूरी है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। मैं दोनों की बात करूंगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड किसी भी इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए ही जॉब बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए क्यों जॉब जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये जॉब मतलब टास्क, ठीक है, काम दैट इज, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो जॉब अगर हम बात करते हैं कि जो काम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अब पूछेंगे कि क्यों जरूरी है, तो हम ये वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि जॉब क्यों जरूरी है। हम जानते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारी जॉब होती है वही डिटरमाइन करती है आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या कह लीजिए जो कहाँ हम रहते हैं, क्या स्टेटस है, क्या सेल्फ वर्थ है, ठीक है, ये सब कैसे डिटरमाइन होती है, जॉब से, ठीक है, कि हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी जॉब बहुत जरूरी है एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो जॉब बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, अब अगर बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव कर पाता है, थ्रू इट्स जॉब। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब डिफरेंट काम परफॉर्म होते हैं उसी से तो ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल है जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब्स है दैट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, ठीक है, जितने भी काम है वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जॉब है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ना, ये जो जॉब है जो काम है उसको डिटेल में पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग ये टॉपिक, इसीलिए एचआरएम में ये एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है जॉब एनालिसिस का, ठीक है। तो देखिए नाम क्या है, जॉब प्लस एनालिसिस। तो जॉब तो समझ रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब बहुत जरूरी है, ठीक है, और इसको प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो जॉब ये हो गया और एनालिसिस, तो एनालिसिस समझते हैं आप, डिटेल एग्जामिनेशन, किसी भी चीज को डिटेल में एनालाइज करना, एग्जामिन करना, ठीक है, दैट इज एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब प्लस एनालिसिस, यानी किसी भी जॉब को प्रॉपरली डिटेल वे में फॉर्मल वे में जब एग्जामिन किया जाता है दैट इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है, किसी भी जॉब को, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, किसी भी जॉब को डिटेल फॉर्मल वे में एग्जामिन करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस, ठीक। देखिए जॉब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब, ठीक, अकाउंटेंट की जॉब हो सकती है, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब हो सकती है, टेक्नीशियन की जॉब होती है, ठीक है, अलग अलग जॉब है ना, ठीक है, इनको डिटेल वे में एग्जामिन करना, ठीक है, दैट इज जॉब एनालिसिस, ठीक। तो जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब एनालिसिस है एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करना, किसको, TDR, TDR, आपने इससे पहले TDS सुना होगा, TDS सुना होगा, ठीक है, टैक्स में पढ़ा था ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
ठीक है, टीडीएस सुना था ना, यहाँ पे आपको याद रखना है टीडीआर, ठीक है, जॉब एनालिसिस से रिलेटेड क्या है, टीडीआर। अब ये टीडीआर में क्या है ये बताती हूँ। तो जॉब एनालिसिस में वी डू द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ टीडीआर। जॉब एनालिसिस में हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं किसका, टीडीआर का, यानी टास्क का, ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसी भी जॉब में, ठीक है, टास्क क्या है, काम क्या है, जॉब ड्यूटी क्या है एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है किसमें, जॉब एनालिसिस में। ठीक, तो जॉब एनालिसिस इज ऑल अबाउट टी डी आर, यानी जॉब एनालिसिस इज ऑल अबाउट जॉब टास्क, जॉब ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली एनालाइज करना, दिस इज जॉब एनालिसिस। ठीक, ये बात समझ गए। तो जॉब एनालिसिस में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसका, टी डी आर का। ठीक है, टी डी आर यानी टास्क ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चाहिए टू परफॉर्म अ टास्क, टू परफॉर्म अ जॉब, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन सी ड्यूटी निभानी है एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम जॉब एनालिसिस में। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे ये जो टास्क है, टास्क क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो एक बार आपको बता देती हूँ। वैसे सिंपल टर्म हम यूज करते हैं, टास्क क्या है, टास्क मतलब वो, टास्क मतलब काम, वो वर्क एक्टिविटी जो कैरी आउट किया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी काम परफॉर्म होता है, जो भी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड टास्क, इसी को टास्क कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए जो अकाउंटेंट है, ठीक है, जो अकाउंटेंट है उसका एक टास्क है कि उसको सैलरी बनानी है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बनानी है। ठीक है, तो दिस इज अ टास्क, ये टास्क है, दिस इज अ वर्क एक्टिविटी जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए परफॉर्म होती है। ठीक है, तो दिस इज अ टास्क टू मेकिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ये अकाउंटेंट का काम है। ठीक, अगला क्या है, ड्यूटी। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी इज जब सेवरल टास्क मिलके एक सीक्वेंस ऑफ काम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। ठीक, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी एक लार्जर सेगमेंट होता है, लार्जर वर्क सेगमेंट होता है जिसमें कई टास्क मिलके बनाते हैं ड्यूटी। ड्यूटी में क्या होता है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले, ड्यूटी का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे सपोज करिए जो ऑफिस असिस्टेंट है, एग्जाम्पल ऐसे ले रही हूँ, एक ऑफिस असिस्टेंट है, उसको ये ड्यूटी दी गई है कि उसके पास जितने भी सीवीज आए, सीवी ठीक है, जितने भी आए उनको वो शॉर्टलिस्ट करे, उनको उनको देखे, उनको पिक करे, शॉर्टलिस्ट करे, ठीक है, और फिर आगे फॉरवर्ड करे, तो ये उसकी क्या है, ड्यूटी है। ठीक, तो ड्यूटी एक बड़े काम को, एक लार्जर सेगमेंट, लार्जर वर्क सेगमेंट को हम कहते हैं ड्यूटी। ठीक, अगला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानते हैं जिम्मेदारी, यानी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, टास्क को परफॉर्म करने का जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, ठीक है, कि जो भी टास्क है एंड जो भी ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करें, तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो जॉब एनालिसिस में इन तीनों चीजों का एनालिसिस किया जाता है, जॉब टास्क का, जॉब ड्यूटी का एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो जॉब एनालिसिस की जब बात हो तो ये मतलब ये जो आपको मैंने डायग्राम ये बनाया है ये जरूर बनाइएगा। जॉब एनालिसिस इज ऑल अबाउट जॉब टास्क, जॉब ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टी डी आर, टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टास्क मतलब स्मॉल वर्क एक्टिविटी, किसी पर्पस के लिए जो वर्क एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, जैसे सैलरी वगैरह बनाना या लेटर टाइप करना, ये सब टास्क में आएगा। ड्यूटी मतलब जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो, ड्यूटी असाइन की गई है, जैसे अकाउंटेंट को ये काम, ये ड्यूटी दी गई है कि वो सैलरी वगैरह बनाए, ठीक है, तो दैट इज ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी टू परफॉर्म टास्क एंड ड्यूटी। ठीक, तो दिस इज जॉब एनालिसिस, इसी को जॉब एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जॉब एनालिसिस क्यों जरूरी है, ठीक है, यूज क्या है इसका, तो अभी हम यूज पे भी आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी चीज को तो समझ लिया, बट वो जो भी टॉपिक है वो तब तक पूरा अच्छे से नहीं समझ में आता है जब तक ये ना हमें समझ में आए कि उसकी यूजफुलनेस क्या है, हम उसको पढ़ क्यों रहे। ठीक है, तो वही अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, बट यूजेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा।
ठीक है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है, पूजा सिंह के नाम से सेकंड चैनल है। तो मैं चाहूंगी कि जरूर मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यूजर्स, ये जो जॉब एनालिसिस है इसका यूज क्या है, ठीक है। हमने ये तो पढ़ लिया कि किसी भी जॉब, किसी भी टास्क को डिटेल में एग्जामिन करने की जरूरत है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, ठीक है। बट क्यों इसका यूज क्या है, क्यों करने की जरूरत है, तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा गुड एचआरएमओ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो वो बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जॉब, ठीक है। जो एम्प्लॉय है एंड एम्प्लॉयर है, दोनों को अपनी जो भी ड्यूटीज है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड जो भी टास्क है, इन सब के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तभी ये भी समझ में आएगा कि हाउ अ पर्टिकुलर वर्क इज लिंक्ड विद अदर वर्क, यानी कैसे एक काम दूसरे काम से कनेक्टेड है, ये सब भी चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर वो चाहता है कि उसके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बढ़िया हो, तो उसके लिए जो एम्प्लॉई है एंड एम्प्लॉयर है दोनों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि टास्क क्या है, ड्यूटी क्या है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ यूजेस। अच्छा, ये जो यूजेस है ना, ये जितने भी अभी मैं यूजेस आपको बताऊंगी, ये सबका एक आप पर्टिकुलर सीक्वेंस देख रहे हैं। एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई भी बुक उठा लीजिएगा, यही सीक्वेंस आपको मिलेगा। अब क्यों ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, लास्ट में इट कुड वेरी, यहाँ पे वेरी कर सकता है, बट यहाँ तक से लेके यहाँ तक ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ही है। क्यों क्यों एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स लास्ट टाइम पे बताया था, ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो प्रैक्टिसेस होती है ना, देखिए सबसे पहले क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होती है। सबसे पहले प्लान किया जाता है कि कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, फिर रिक्रूट किया जाता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, इंडक्शन या जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं वो होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो इसी सीक्वेंस में जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है ना, वो इसी सीक्वेंस में होती है, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा कि यही सीक्वेंस लिखे, याद करने में आसानी होगी। और ये जितने भी आपको ये टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इन सब पे मैं आने वाले टाइम में सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक अलग अलग कवर होंगे। ये आपको किसी भी एचआर की बुक में ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, रिक्रूटमेंट अलग चैप्टर है, सिलेक्शन अलग चैप्टर है, प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन सब पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी आने वाले टाइम में, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस का यूज क्या है। तो सबसे पहला जो यूज है जॉब एनालिसिस का, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, एक बार बता देती हूँ। देखिए नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, वही तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, बताया था, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स की रिगार्डिंग प्लानिंग करना, यानी फोकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, उनकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, उनकी स्किल क्या होनी चाहिए, उनकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में प्लान करना, पहले से फोकास्ट करना, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसी है वो सब भी मतलब इम्प्लीमेंट करता है, उसको भी डिजाइन करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जॉब एनालिसिस, अगर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब एनालिसिस किया हुआ है, जॉब एनालिसिस मतलब क्लियरली एग्जामिन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब्स हैं, ठीक है, जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको अगर क्लियरली एग्जामिन किया हुआ है, तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में चल के ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने और ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट यूजफुलनेस ऑफ जॉब एनालिसिस। दूसरी जो यूजफुलनेस है जॉब एनालिसिस की, दैट इज रिक्रूटमेंट, दैट इज रिक्रूटमेंट। तो जॉब एनालिसिस का यूज किया जाता है टू फाइंड आउट, देखिए जॉब एनालिसिस अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली किया है, ठीक है, तो यानी उसने जॉब्स को प्रॉपरली एग्जामिन किया है, ठीक है, अगर जॉब को प्रॉपरली एग्जामिन किया है तभी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर पाएगी, ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर पाएगी कि कब और कैसे
व्हेन एंड हाउ, ठीक है, व्हेन यानी कब और कैसे हायर करें पीपल को, मतलब एम्प्लॉयज को कैसे हायर करें, जो जनरल पीपल है उन्हें कैसे हायर करें फॉर फ्यूचर ओपनिंग, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पे जॉब एनालिसिस प्रॉपरली की है तभी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग प्रॉपर डिसीजन ले पाएगी कि कब हायरिंग करें, कैसे हायरिंग करें, ठीक है, क्या स्किल चाहिए, क्या मतलब नॉलेज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके रिगार्डिंग तभी डिसीजन ले पाएगी जब ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब को प्रॉपरली एनालाइज किया है कि किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल वगैरह चाहिए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में जरूरत होती है, रिक्रूटमेंट के लिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। अगला क्या है, सिलेक्शन। तो हम सिलेक्शन, हम जानते हैं जब एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, एक पूल ऑफ एप्लीकेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, और सिलेक्शन से एक टेस्ट वगैरह के द्वारा जो एप्लीकेंट है उसको सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज सिलेक्शन। तो अगर जॉब एनालिसिस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जो कह लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको नहीं पता होगा कि व्हाट व्हाट इज टू बी डन ऑन द जॉब, यानी जॉब पे करना क्या है। अगर ये नहीं पता होगा जॉब पे करना क्या है तो कैसे कोई राइट पर्सन सिलेक्ट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। अगर जॉब एनालिसिस नहीं किया है, जॉब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि जॉब में कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर ये नहीं पता है तो कैसे राइट पर्सन सिलेक्ट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए सिलेक्शन के लिए भी जॉब एनालिसिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया, अब उसको एक प्रॉपर पोजीशन पे, ठीक है, उसको एक डेजिग्नेशन कह लीजिए, प्लेसमेंट में के थ्रू एक प्रॉपर डेजिग्नेशन अपॉइंट की जाती है, ठीक है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट की जो पोजीशन है या अकाउंटेंट की, उसमें भी सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे उसे प्लेस किया जा रहा है, दैट इज प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, जिसमें उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कब से था, ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बारे, बाकी इम्प्लॉय के बारे में, तो वो इंडक्शन या ओरिएंटेशन के थ्रू होता है। तो ये सारे काम तो तभी कर पाएंगे ना, एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर पोजिशन पे अपॉइंट तभी कर पाएंगे जब आपने जॉब एनालिसिस किया हो, जब ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब एनालिसिस किया हो, उसको उस टास्क के बारे में, उस ड्यूटी के बारे में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्रॉपरली अगर पता है तभी एम्प्लॉय को सही जगह पे अपॉइंट किया जा पाएगा, ठीक है, तभी एम्प्लॉय को उसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में ये समझाया जा सकेगा, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस, फोर्थ यूज कह लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, ठीक है, तो एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग देनी है, देनी भी है कि नहीं देनी है, ठीक है, अगर देनी है तो किस एरिया में ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, क्या कमी है। तो ये सब तो तब समझ में आएगा ना जब जॉब एनालिसिस प्रॉपर किया गया है, अगर जॉब को प्रॉपरली एग्जामिन किया गया है, ठीक है, उसकी टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एग्जामिन किया गया है तभी आइडेंटिफाई किया जा पाएगा कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है, देनी है तो किस एरिया में देनी है, क्या मेथड रहेगा, ठीक है, ये सब डिजाइन तभी किया जा पाएगा जब जॉब एनालिसिस किया गया है, ठीक। अगला जो यूज है जॉब एनालिसिस का, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, दे काउंसल द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम काउंसल भी करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं अबाउट देयर करियर, करियर के रिगार्डिंग जो है सुझाव देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, ठीक है, बट वो तभी दे पाएंगे ना जब उन्हें उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो ड्यूटी है, एम्प्लॉय की जो ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में जब पता होगा तभी तो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को काउंसिल कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी, तो देखिए फैक्ट्री में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे एम्प्लॉय को अनसेफ कंडीशन में, मतलब थोड़ा सा, मतलब कह लीजिए सेफ्टी इशू आ सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ वैसी कंडीशन में काम करना पड़ता है, ठीक है, बट उसमें भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन पूरा ख्याल रखता है कि एम्प्लॉय कभी भी अनसेफ कंडीशन में ना हो, ठीक है, अनसेफ कंडीशन में ना हो ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ध्यान रखता है, ठीक है, बट अनसेफ कंडीशन क्या है, कौन सी अनसेफ कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जॉब एनालिसिस से। जब किसी जॉब को प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा, उसमें टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा तभी पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर जॉब में कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, जो डिफरेंट ऑपरेशन उस जॉब में परफॉर्म हो रहे हैं उसमें कोई अनसेफ प्रैक्टिस तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं है जिससे एम्प्लॉय को कहीं हार्म ना हो, ठीक है। तो इसके लिए भी, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए भी जॉब एनालिसिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो
परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या होता है कि इसमें कंपेयर किया जाता है व्हाट द एम्प्लॉय इज सपोज टू डू, ठीक है, व्हाट द एम्प्लॉय इज सपोज टू बी डूइंग कह लीजिए, एंड व्हाट द एम्प्लॉय इज एक्चुअली डूइंग, यानी एम्प्लॉय को करना क्या था, सपोज टू बी डूइंग करना क्या था, एंड व्हाट इज डूइंग वो कर क्या रहा है, ठीक है, इनको कंपेयर किया जाता है. सपोज टू बी डूइंग यानी उसको करना क्या चाहिए था, एंड व्हाट इज डूइंग, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ठीक. बट व्हाट ही सपोज टू डू यानी उसे करना क्या चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब में, ये कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा जॉब एनालिसिस से ना, ठीक है. देखिए जॉब एनालिसिस, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल समझ रहे हैं ना, देखिए वर्ड है परफॉर्मेंस, वैसे मैं डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे. देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी अप्रेज करना यानी मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है. कैसे मेजर करेंगे, व्हाट द एम्प्लॉय इज सपोज टू डू यानी क्या उसे अपेक्षा की जाती, क्या की जा रही थी कि वो क्या करे, सपोज टू डू, एंड व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, राइट. तो ये तो तभी व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग ये तो पता चल जाएगा, बट व्हाट ही सपोज टू डू से करना क्या चाहिए था ये कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब एनालिसिस प्रॉपर किया है, जब ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब की टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एनालाइज किए तभी पता चलेगा. नेक्स्ट है जॉब डिजाइन, जॉब को डिजाइन करना, ठीक है, जॉब को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली तभी किया जा पाएगा, नो डाउट वो तभी प्रॉपरली कर पाएंगे जॉब, जब आप जॉब को प्रॉपरली समझेंगे. अगर कोई मैनेजर जॉब को प्रॉपरली समझ रहा है, वो जॉब के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, अगर कुछ वीकनेस है तो उसे एलिमिनेट करेगा, तो जॉब को प्रॉपरली समझेगा जो मैनेजर वही तो जॉब डिजाइन कर पाएगा. तो जॉब डिजाइन के लिए भी जॉब एनालिसिस बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन मतलब होता है रियल वर्थ पता करना, आखिरी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज फाइंडिंग जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन मतलब रिलेटिव वर्थ फाइंड आउट करना, यानी ये जो पर्टिकुलर जॉब है इसकी वर्थ क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऐसा क्यों होता है कि एक एम्प्लॉय ए है उसकी सैलरी है एक्स अमाउंट और दूसरा एम्प्लॉय बी है उसकी सैलरी है 2x अमाउंट, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर जॉब, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ देयर जॉब. इनकी जो जॉब है ठीक है उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है. कोई काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है, और कोई काम लेस इंपॉर्टेंट होता है. कुछ काम को करने के लिए बहुत हाई स्किल, बहुत हाई एक्सपीरियंस, बहुत हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ काम को करने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है. तो वही क्या है, तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ जॉब हाईली पेड जॉब होती है और कुछ जॉब क्या होती है, कम पेड जॉब होती है. तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है जॉब इवैल्यूएशन से. जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, उस जॉब की वर्थ क्या है, ठीक है. और ये वर्थ कैसे पता किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी उस जॉब में कितनी डिफिकल्टी है, क्या काम करना है, क्या इसके लिए नॉलेज जरूरी है, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन. ये जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है. तो इवन जॉब इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉब इवैल्यूएशन तभी ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगा व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज डन जॉब एनालिसिस. अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब एनालिसिस किया हुआ है तभी जॉब इवैल्यूएशन कर पाएगा, एंड जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की वेज पॉलिसी है ठीक है, वेज पॉलिसी डिजाइन कर पाता है, ठीक. तो इसलिए जॉब इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज डन जॉब एनालिसिस, जब ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब एनालिसिस किया है तभी, ठीक है. तो चलिए मैंने काफी सारे यूजेस आपको बता दिए जॉब एनालिसिस के, तो जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है. तो ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो चलिए मैं ये लेक्चर अभी यहीं पे वाइंड अप करती हूँ. अगले लेक्चर में हम ये जो प्रोसेस का टॉपिक है ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे और क्वेश्चन लगाइएगा, राइट. और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है. तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. गॉड ब्लेस यू.